सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए उसके अगले चरण में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन लेने से पहले कुछ फार्मूले देखेंगे। पहला है फार्मूला हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स बराबर साइन स्क्वेयर अल्फा है। दूसरा फार्मूला है कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर अल्फा। और तीसरा है टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा। ये तीनों फार्मूले हैं, तीनों अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का जो सॉल्यूशन है वो तीनों का एक ही सॉल्यूशन होगा, इसलिए इनको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इन तीनों का ही सॉल्यूशन हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एक्स जो है एंगल जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का है, और प्लस माइनस में इसमें हमारे पास में है अल्फा, एन को इंटीजर है। ये इन तीनों का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन ले रहे हैं पहला। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है टेंजेंट स्क्वेयर थ्री टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वन है। टेंजेंट स्क्वेयर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। तो यहाँ से टेंजेंट एक्स आ रहा है हमारे पास, इसको स्क्वेयर रखेंगे, इस संख्या को हमने 1/√3 का स्क्वेयर बना दिया, तो ये हमारे पास 1/√3 टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो ये टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा आ गया हमारे पास। ये तो ये बड़ा फार्मूला बना लिया हमने कि फार्मूला स्क्वेयर में, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी वो एन पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस में ये जो एंगल अल्फा है पाई बाई 6 आया है, ये इसमें प्लस माइनस करना है। इस फार्मूले में यहाँ पर अल्फा की जगह हमको केवल पाई बाई 6 रखना है, एन कोई हमारे पाई इंटीजर है। तो ये इसका पहले का जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट हमारे पास है वो है ट्वाइस ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू कोसिकंड स्क्वेयर एक्स। इस इक्वेशन को पहले हमको सोल्व करना है। सारी इक्वेशन एक ही वेरिएबल बनानी है, इसलिए कोसिकंड स्क्वेयर एक्स की जगह 1 + कोट स्क्वेयर एक्स लिख रहा हूँ। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है कोट स्क्वेयर एक्स माइनस में 2 कोट एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। कोट एक्स में क्वाड्रेटिक हो गई, ये हमारे पास इसके फैक्टर करेंगे तो कोट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर आ गया, 0 के बराबर है। कोट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कोट एक्स की वैल्यू 1 आ गई। कोट एक्स की 1 है तो ये टेंजेंट एक्स की वैल्यू 1 आ गई। 1 फार वैल्यू होती है हमारे पास पाई बाई 4 की, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई 4 एन बिलोंग्स टू जेड। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। ये स्क्वेयर वाला नहीं, पहले वाला फार्मूला बनाया, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4 हमारे पास इसका सॉल्यूशन हुआ है। तीसरा पार्ट ले रहे हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास है थ्राइस ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर एक्स और इज इक्वल टू 5 है। एक ही वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करनी है। टेंजेंट सीकेंट स्क्वेयर की जगह लिख रहा हूँ 1 + टेंजेंट स्क्वेयर एक्स लिख दिया इसकी जगह, प्लस में ये टेंजेंट एक्स स्क्वेयर एक्स हमारे पास है बराबर 3 है, 5 आ गया। ये 5 है, 3 प्लस में ये 2 आ रहा हो जाएगा, तो 6 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स आ रहा है और बराबर में 5 है। इस संख्या को इधर ले जाएंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। टेंजेंट स्क्वेयर एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई है, 2 से कैंसिल हो गया है, इसको हम 1/√3 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर पाई बाई 6। अब इस पर हम फार्मूला लगाएंगे। ये टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा का फार्मूला आ गया, तो एक्स का मान आएगा हमारे पास एन पाई प्लस माइनस में पाई बटा 6 एन बिलोंग्स टू जेड। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है कोट स्क्वेयर एक्स प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ये 2 के बराबर है। इसको सोल्व करना, पहले एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। कोट स्क्वेयर को हम 1/ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं, प्लस में ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वेयर एक्स है बराबर 2 है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + टेंजेंट की पावर 4x इज इक्वल टू 2 ऑफ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक टेंजेंट की पावर 4x माइनस में 2
टेंजेंट स्क्वेयर एक्स आ गया है, प्लस में एक बराबर जीरो है। ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वेयर एक्स माइनस एक का होल स्क्वेयर बन गया। इसके फैक्टर करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट स्क्वेयर एक्स माइनस एक बराबर जीरो आ गया। टेंजेंट स्क्वेयर एक्स की वैल्यू एक है और एक मान होता है टेंजेंट स्क्वेयर पाई बाई फोर का, तो एक्स बराबर हमारे पास आ गया एन पाई प्लस माइनस में पाई बाई फोर एन बिलोंग टू जेड। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन रहा है जो हमने लगा दिया टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बराबर टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा का, तो ये एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस ये जो एंगल होता है ये लिखना पड़ता है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है सेवन साइन स्क्वेयर एक्स प्लस थ्री कोस स्क्वेयर एक्स बराबर फोर है। हमको इस सारी संख्या को एक ही वेरिएबल में बदलना है। सेवन साइन स्क्वेयर एक्स है प्लस में थ्री कोस स्क्वेयर की जगह हम एक माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं, ये चार के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास सेवन साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में थ्री माइनस में थ्री साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू फोर आ रहा है। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास फोर साइन स्क्वेयर एक्स बच गया है, इधर हमारे पास ये वन बच जाएगा। साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू वन बाई फोर है, इसको हम लिख सकते हैं वन बाई टू का होल स्क्वेयर, और वन बाई टू वैल्यू हमारे पास होती है साइन स्क्वेयर पाई बाई सिक्स की। तो साइन स्क्वेयर थीटा बराबर साइन स्क्वेयर अल्फा का फार्मूला बन गया। एक्स का मान आएगा हमारे पास एन पाई प्लस माइनस एंगल ऑफ अल्फा हमारे पास पाई बाई सिक्स आया, पाई बाई सिक्स इसमें जोड़ दिया है और एन कोई इंटीजर हो गया। फार्मूला सभी पर एक ही लगेगा, चाहे साइन स्क्वेयर का फार्मूला हो, कोस स्क्वेयर का हो, चाहे टेंजेंट स्क्वेयर का, तो एक ही फार्मूला हमको इस पर अप्लाई करना है। फार्मूले में हमको यहाँ पर केवल एक्स की जगह जो अल्फा उसकी जगह पाई बाई सिक्स रखना है। एक पार्ट और है, टेंजेंट क्यूब एक्स माइनस में थ्री टेंजेंट एक्स जीरो बराबर है। सबसे पहले फैक्टर करेंगे, इसमें से टेंजेंट एक्स को मले रहे हैं। ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वेयर एक्स माइनस में थ्री आ गया, इसको जीरो बराबर रखेंगे तो टेंजेंट एक्स का मान जीरो आ रहा है। दूसरे में टेंजेंट स्क्वेयर एक्स माइनस तीन का मान जीरो है, यहाँ से टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का मान तीन आ गया। तीन को हम लिखेंगे रूट थ्री का स्क्वेयर, तो ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वेयर पाई बाई थ्री का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर रूट थ्री पाई बाई सिक्स की पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है, तो एक्स का मान आ गया एन पाई प्लस माइनस में पाई बाई थ्री, एन इंटीजर है। दूसरा टेंजेंट एक्स बराबर जीरो है, तो यहाँ से एक्स का मान एन पाई आया है। ये शुरू में हमने पढ़ा था वो फार्मूला है, एक्स टेंजेंट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स जो एंगल है वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो एक्स बराबर एन पाई। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में फाइव साइन एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो। ये सारी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बदलनी है, कोस स्क्वेयर की जगह एक माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिख रहा हूँ। माइनस में फाइव साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये टू माइनस में ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में फाइव साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये इधर ले जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स आ रहा है, प्लस में फाइव साइन एक्स आ रहा है, और ये दो और एक तीन ये इधर आ जाएगा, थ्री माइनस हो जाएगा। इसके टुकड़े बनाएंगे, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में सिक्स साइन एक्स माइनस में साइन एक्स और माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस संख्या में से हमारे पास ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉमन है, तो यहाँ से साइन एक्स प्लस में थ्री कॉमन आ जाएगा। यहाँ से माइनस का निशान कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस में थ्री बराबर जीरो आ रहा है। फैक्टर हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस एक और साइन एक्स प्लस में थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस एक इज इक्वल टू जीरो है और साइन एक्स प्लस में थ्री इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। साइन एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एक से छोटे नहीं हो सकती, साइन एक्स की रेंज माइनस एक से एक होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास वन बाई टू आई है, वन बाई टू साइन की वैल्यू है वो पाई बाई सिक्स की होती है, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन, और अल्फा की जगह पाई बाई सिक्स पुट करना है, एन कोई इंटीजर है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास कोट स्क्वेयर अल्फा प्लस में थ्री
अब उनमें साइन अल्फा और प्लस में 3 इक्वल टू 0 है। सारी संख्या को सबसे पहले हम एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे, कोट स्क्वेयर अल्फा के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ कोसिकंड स्क्वेयर अल्फा माइनस 1, 1 प्लस कोट स्क्वेयर बराबर कोसिकंड स्क्वेयर अल्फा होता है, और ये हमारे पास 3 साइन 1 बाई साइन अल्फा कोसिकंड अल्फा रहा है, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। सारी संख्या को हमने कोसिकंड में कन्वर्ट कर दी है, कोसिकंड में क्वाड्रेटिक हो गई है, कोसिकंड स्क्वेयर अल्फा प्लस में 3 कोसिकंड अल्फा प्लस में 2 बराबर 0, इसके टुकड़े बनाएंगे हम, कोसिकंड स्क्वेयर अल्फा प्लस में 2 कोसिकंड अल्फा प्लस में कोसिकंड अल्फा और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कोसिकंड अल्फा कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा कोसिकंड अल्फा प्लस में 1 बच रहा है, प्लस में 2 बच जाएगा, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो ये कोसिकंड अल्फा प्लस में 2 बराबर 0 आ रहा है। फार्मूला आ गया हमारे पास कोसिकंड अल्फा प्लस में 1 और दूसरा कोसिकंड अल्फा प्लस में 2 बराबर 0 है, यहाँ से रखेंगे तो कोसिकंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से रखेंगे तो कोसिकंड अल्फा प्लस में 2 बराबर 0, यहाँ से कोसिकंड अल्फा की वैल्यू माइनस 1 आएगी तो साइन अल्फा की वैल्यू माइनस 1 आ गई है, यहाँ से कोसिकंड अल्फा की वैल्यू माइनस 2 आएगी तो साइन अल्फा की वैल्यू माइनस में 1/2 आ रही है, यह साइन अल्फा है, एक वैल्यू जो होती है वो साइन पाई बाई 2 की होती है, तो यहाँ से साइन अल्फा बराबर आ गया हमारे पास साइन माइनस में पाई बाई 2 है, वो है एंगल अंदर ले लिया है, यहाँ से साइन अल्फा है ये हमारे पास होगा साइन पाई बाई 3 का, एंगल अंदर ले जाएंगे तो ये साइन माइनस पाई बाई 3 आ गया है। साइन अल्फा की वैल्यू निकाली हमने दोनों के सी, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा बराबर आएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फा की जगह माइनस पाई बटे 2 लिखा है, तो अल्फा बराबर आ जाएगा एन पाई प्लस, यहाँ पर ये माइनस का निशान अगर इसके साथ मिला दे तो माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 हो जाएगी, और ये पाई बटे 2 है, एन कोई इंटीजर है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आएगी एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फा या माइनस पाई बाई 3 है, ये माइनस निशान इसी के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा आएगा, अल्फा बराबर आएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर या माइनस 1 की पावर इसमें मिलाएंगे तो एन प्लस 1 हो जाएगा पाई बाई 3, और एन कोई इंटीजर है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगले क्वेश्चन में पहला पार्ट हमारे पास है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में रूट 3 कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमारे पास सारी संख्या एक ही वेरिएबल में चेंज करनी है, यहाँ कोस है या साइन स्क्वेयर है, इस साइन स्क्वेयर को हम कोस में बदल सकते हैं, एक माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स लिख दिया इसकी जगह, प्लस में रूट 3 कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस में 2 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस में रूट 3 कोस एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो 2 कोस स्क्वेयर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में रूट 3 कोस एक्स है, इन दोनों का जोड़ हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम इसके टुकड़े करेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास 6 होना चाहिए और जोड़ ये आना चाहिए रूट 3, तो माइनस में 2 रूट 3 प्लस में अगर रूट 3 लेने टुकड़े बनाए इसके तो इसका सम माइनस रूट 3 आ जाएगा और प्रोडक्ट आएगा इसका हमारे पास, ये संख्या इधर जाएगी ये माइनस 3 आएगा, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास ये 6 हो गया, ये माइनस में 6 हो जाएगा, टुकड़े ठीक हो गए, 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में 2 रूट 3 कोस एक्स प्लस में रूट 3 कोस एक्स माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, इस संख्या में से ट्वाइस ऑफ कोस एक्स को मन लेंगे, कोस एक्स माइनस में रूट 3 प्लस में रूट 3 को मन ले लेंगे, कोस एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, इस संख्या से 2 कोस एक्स प्लस में रूट 3 और कोस एक्स माइनस में रूट 3 को मन 0 आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 कोस एक्स प्लस में रूट 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में रूट 3 बाई 2, और यहाँ से
इसको सोल्व करेंगे कोस एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, कोस एक्स बराबर रूट थ्री आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू जो है वो वन से बड़ी नहीं हो सकती। ये आ गया है कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास रूट थ्री बाई टू होती है माइनस में कोस ये पाई बाई सिक्स की होती है। इस एंगल को हमको प्लस बनाना है कोस को, तो इसको दूसरे क्वाड्रेंट में ले जाएंगे पाई माइनस में पाई बाई सिक्स, ये हमारे पास कोस पाई पाई बाई सिक्स आ गया। कोस थीटा बराबर कोस अल्फा का होता है फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस में अल्फा यहाँ पर पाई बाई सिक्स है, ये अल्फा की जगह रख देंगे फार्मूले में और एन कोई इंटीजर है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट है इसका हमारे पास ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस में रूट टू साइन एक्स इज इक्वल टू टू है। ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर को हम बदलेंगे साइन स्क्वायर में, एक माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में रूट टू साइन एक्स है प्लस दो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो से, दो माइनस में दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में रूट टू साइन एक्स है और बराबर दो है हमारे पास। ये दो से तो दो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से और इस संख्या में से हम माइनस में रूट टू अगर साइन एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास रूट टू साइन एक्स बच जाएगा माइनस एक जीरो आ जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर साइन एक्स का मान जीरो है रूट टू साइन एक्स माइनस एक बराबर जीरो है। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास वन बाई रूट टू आ गई है, वन बाई रूट टू साइन की पाई बाई फोर की वैल्यू होती है। तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन, अल्फा की जगह पाई बाई फोर आया है, एन हमारे पास इंटीजर है, साइन एक्स बराबर जीरो ये सिंपल है। एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, जब भी साइन का मान जीरो होता है तो ये एंगल है ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो यह एक्स का मान एन पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ पर एम ले लेते हैं और ये हमारे पास एन अलग अलग ले लें दोनों। अगला क्वेश्चन हमारे पास थ्री टेंजेंट स्क्वायर एक्स, जब हमें दो रूट तीन टेंजेंट एक्स माइनस में तीन बराबर जीरो, इसके टुकड़े हमारे पास जो है इस तरह से बने कि प्रोडक्ट माइनस नाइन जोड़ ये आए तो इसके रूट थ्री और माइनस में अगर रूट थ्री हम इसके टुकड़े बनाएंगे तो सम तो टू रूट थ्री आ जाएगा, प्रोडक्ट इसका माइनस नाइन हो जाएगा। थ्री टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में थ्री रूट थ्री टेंजेंट एक्स माइनस में रूट थ्री टेंजेंट एक्स माइनस में थ्री इज इक्वल टू जीरो, इस संख्या में से हम थ्री टेंजेंट एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये टेंजेंट एक्स प्लस में रूट थ्री आ रहा है, यहाँ से माइनस रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो ये टेंजेंट एक्स प्लस में रूट थ्री आ गया। ये आ गया हमारे पास फैक्टर थ्री टेंजेंट एक्स माइनस में रूट थ्री और यहाँ से टेंजेंट एक्स प्लस में रूट थ्री बराबर जीरो, ये रखेंगे तो थ्री टेंजेंट एक्स माइनस में रूट थ्री का मान जीरो आ जाएगा। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ रही है रूट थ्री अपन थ्री, वन बाई रूट थ्री आ गई है। टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ रही है टेंजेंट पाई बाई सिक्स, तो एक्स बराबर आ जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, एन बिलोंग्स टू जेड, टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट वाला फार्म अल्फा वाला फार्म लगा दिया हमने। स्क्वायर में यहाँ प्लस माइनस होता है, केवल टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट अल्फा है तो केवल प्लस होता है। दूसरा ये वाला है टेंजेंट एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस में रूट थ्री आ जाएगी इससे, तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू रूट थ्री होती है माइनस में टेंजेंट पाई बाई थ्री पर, ये एंगल इधर आ जाएगा टेंजेंट एक्स बराबर टेंजेंट माइनस में पाई बाई थ्री, टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट अल्फा, एक्स का मान है एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू जेड, तो एक्स बराबर एन पाई माइनस पाई बटे थ्री, एन बिलोंग्स टू जेड, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला पार्ट है हमारे पास फाइव टेंजेंट की पावर फोर एक्स माइनस में एक बराबर चार टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इसको कर ले जाएंगे फाइव टेंजेंट की पावर फोर एक्स है माइनस में फोर टेंजेंट स्क्वायर एक्स है माइनस एक इज इक्वल टू जीरो है,
इसके टुकड़े बनाएंगे, इसके टुकड़े हम बनाएंगे हमारे पास माइनस फाइव और प्लस एक, फाइव टेंजेंट की पावर फोर एक्स माइनस में फाइव टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस एक बराबर जीरो है। इस संख्या में से इधर से हम फाइव टेंजेंट स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस एक बच जाएगा, यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस एक बराबर जीरो, फैक्टर हमारे पास आ गया है फाइव टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में एक फैक्टर तो ये बन गया है, दूसरा फैक्टर आ गया है टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस एक इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो बराबर रखेंगे, फाइव टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस एक जीरो बराबर रख देंगे तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस वन बाई फाइव विच इज नॉट ट्रू, स्क्वायर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती विच इज नॉट ट्रू, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला है यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू बना जाएगी और वन वैल्यू होती है टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई फोर की, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा फार्मूला बन गया, एक्स का मान आएगा टू एन पाई यहाँ पर प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बटे चार, एन बिलोंग्स टू जेड, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया है। ये वाला इसमें एन टू नहीं लगता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो ये हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया। अगला पार्ट ले रहे हैं, अगले पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है थ्री कोस स्क्वायर एक्स माइनस में टू रूट थ्री साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस में थ्री साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमको ये सारी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करनी है, साइन भी है कोस भी है, तो सबसे पहले हम इस सारी संख्या को कोस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, कोस स्क्वायर से भाग देंगे थ्री आ जाएगी, यहाँ टू रूट थ्री कोस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ये टेंजेंट एक्स आ जाएगा, और यह माइनस थ्री ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ गया। पहले पार्ट में हमने सारी इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से भाग दिया है तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास थ्री टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में टू रूट थ्री टेंजेंट एक्स और ये माइनस में थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर बनाएंगे, ये हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया जो ऊपर बना था। इस क्वेश्चन को अभी हमने यहाँ पर किया था, ये वही क्वेश्चन ये वाला पार्ट, तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, इसी तरह से ये प्रोसीड होगा तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके जो फैक्टर है हमारे पास ऊपर वाली क्वेश्चन से इसको वहीं से फैक्टर बना देते हैं, इसके फैक्टर बनेंगे थ्री टेंजेंट एक्स माइनस में रूट थ्री और दूसरा है टेंजेंट एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमारे पास टेंजेंट एक्स की वैल्यू वन बाई रूट थ्री आ जाएगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी यहाँ से टेंजेंट एक्स की वैल्यू माइनस में रूट थ्री आ गई, ये टेंजेंट एक्स वन बाई रूट थ्री हमारे पास टेंजेंट पाई बाई सिक्स के ऊपर होता है, टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट अल्फा है तो एक्स का मान आएगा एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, एन बिलोंग्स टू जेड आ गया। ऐसे ये टेंजेंट एक्स है ये हमारे पास माइनस में टेंजेंट पाई बाई थ्री के बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल है ये अंदर ले जाएंगे माइनस का निशान तो माइनस पाई बाई थ्री हो गया, यहाँ से एक्स का मान आएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री और एन बिलोंग्स टू जेड तो एक्स का मान आ जाएगा एन पाई माइनस में पाई बाई थ्री एन बिलोंग्स टू जेड। ये वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया था, उसी को उसी में रिड्यूस हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास फोर कोस एक्स माइनस में थ्री सीकंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, सबसे पहले इस इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ये फोर कोस एक्स है माइनस में थ्री अपॉन ये कोस एक्स आ गया है, इधर हमारे पास ये साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स है, सारी इक्वेशन का हम कोस एक्स एलसीएम ले रहे हैं, कोस एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ये फोर कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा माइनस में थ्री आ जाएगा और ये हमारे पास साइन एक्स आ गया है, फोर कोस एक्स एलसीएम लेंगे, इसको कोस एक्स मल्टीप्लाई हो गया, इसको अब हम कोस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस थ्री इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे फोर माइनस में फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बराबर में साइन एक्स, ये संख्या इधर आ जाएगी तो फोर साइन स्क्वायर एक्स आ गया है
प्लस में साइन एक्स आ रहा है, माइनस में एक बराबर जीरो आ गया है। अब हम इसके टुकड़े करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसके जो टुकड़े हैं वो फैक्टर होंगे नहीं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट के तरीके से करेंगे। ए का मान दो है, बी का मान एक है, सी का मान माइनस एक है, डी बराबर आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस में चार ए सी, डी बराबर बी स्क्वेयर एक माइनस में चार, ए का मान हमारे पास दो है, सी का मान माइनस एक, तो ये चार दुनिया आठ और ये नौ आ गया हमारे पास। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर चार है, ये चार आएगा तो ये सोलह और एक सत्रह हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। अब हम इसके स्थान पर साइन एक्स का मान निकालेंगे, साइन एक्स का मान है माइनस एक प्लस माइनस में रूट डी, डी की वैल्यू 17 है बटा दो ए, ए का मान हमारे पास 4 है तो ये आ जाएगा माइनस एक प्लस माइनस में रूट 7/8। साइन एक्स के दो आंसर आ गए हैं, साइन एक्स की वैल्यू है माइनस एक प्लस में रूट 17/8, दूसरा आ रहा है साइन एक्स बराबर माइनस एक माइनस में रूट 17/8। हमारा फार्मूला जब लगेगा जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा, इसकी वैल्यू हम टेबल में जानते नहीं तो हम यह मान लेते हैं, लेट साइन अल्फा बराबर है माइनस एक प्लस में रूट 17/8, इसको साइन अल्फा मान लिया तो ये साइन एक्स बराबर आ गया हमारे पास साइन अल्फा। एक्स का मान होगा हमारे पास एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन और अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ होगी हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक प्लस में रूट 17/8। एन कोई इंटीजर है, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है अब तक वैल्यू ऐसी होती थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमको वैल्यू पता हो जाती थी, यहाँ नहीं है। फार्मूला जब भी काम करेगा जब साइन एक्स बराबर साइन अल्फा है तो इस वैल्यू को हमने साइन अल्फा के बराबर मान लिया, यह रख देंगे तो साइन एक्स बराबर साइन अल्फा आ गया तो फार्मूला बन गया एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन अल्फा। हमें अल्फा की वैल्यू लिखते थे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन इनवर्स, ये हमने अलग से बता दिया। ऐसे यहाँ पर अगर मैं इसको साइन बीटा मान लूँ इस रकम को, तो माइनस एक माइनस में रूट 17/8 को साइन बीटा मान लें तो ये साइन एक्स बराबर साइन बीटा जाएगा। एक्स का मान आएगा एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये बीटा, और बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है यहाँ से साइन इनवर्स माइनस एक माइनस में रूट 17/8, ये यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ रही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास सीकंट स्क्वायर एक्स बराबर एक, सीकंट स्क्वायर दो एक्स का मान है एक माइनस में टेंजेंट दो एक्स। पहले सारी क्वेश्चन एक वेरिएबल बदलेंगे, इसकी जगह लिख रहा हूँ एक प्लस टेंजेंट स्क्वायर दो एक्स। हमारे पास सीकंट स्क्वायर का फार्मूला होता है एक माइनस में ये टेंजेंट दो एक्स है, एक से कट गया है, ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर दो एक्स और ये प्लस में टेंजेंट दो एक्स बराबर जीरो। यहाँ से हम टेंजेंट दो एक्स को मान लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट दो एक्स तो मैं एक बराबर जीरो। टेंजेंट दो एक्स का मान जीरो है या टेंजेंट दो एक्स तो मैं एक का मान जीरो है, ये वाला जो टेंजेंट सटा इससे तो एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास दो एक्स बराबर आ जाएगा एन पाई। जब भी टेंजेंट का मान जीरो है तो एंगल जो है पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एक्स का मान आएगा एन पाई बटे दो, ये इंटीजर आ गया। यहाँ से टेंजेंट दो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक, माइनस एक मान होता है टेंजेंट पाई बाई फोर का, ये जो एंगल है इसको हम प्लस का बना देंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में ले जा रहे हैं पाई माइनस में पाई बाई फोर, ये टेंजेंट थ्री पाई बाई फोर आ गया एंगल, तो फार्मूला बन जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर एन बिलोंग्स टू जेड। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको दो से भाग दे देंगे, एन पाई बाई टू प्लस में थ्री पाई बाई एट एन बिलोंग्स टू जेड, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन में हमारे पास है साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस में रूट टू। इसमें ये अलग तरह के क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना है ये तो प्लस माइनस की संख्या इन दोनों को कंबाइन करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको जो ये क्वेश्चन है इसमें जो एक्स का कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस में जो कोस के साथ जो है इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसको भाग देना है रूट लेकर के। यहाँ संख्याएँ साइन एक्स और कोस एक्स की होनी चाहिए, इधर इधर कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ये इसकी पहचान है। यहाँ जो संख्या एक इसका कोएफिशिएंट एक, इन दोनों का स्क्वायर करना है जोड़ के ऐड करके
और फिर रूट लेके जो संख्या है उस संख्या से हमको इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है दोनों तरफ। इसको मैं 1/√2 से यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया है, -1/√2 cos x, और इधर भी इसको 1/√2 से सारी संख्या को जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको भाग देना है। ऐसा करने पर भाग देने पर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर ये जो साइन एक्स है जो 1/√2 है इसके स्थान पर मैं कोस पाई बाई 4 रख सकता हूँ, माइनस ये 1/√2 है इसकी जगह साइन पाई बाई 4 रख दिया है, और ये कोस एक्स है हमारे पास, इसको करने के बाद माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास फार्मूला आ गया साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला साइन एक्स माइनस में पाई बाई 4 का फार्मूला बन गया, और इधर हमारे पास माइनस 1 है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का कोण बना के लिए यहाँ पर साइन पाई बाई 2 आ गया एक का मान, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये साइन माइनस पाई बाई 2 आ गया। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का फार्मूला बन रहा है। फिर देखते हैं इसको कि उसमें यहाँ पहले साइन कोस की टर्म्स होंगी, इधर कॉन्स्टेंट होगा। सबसे पहले हमको ये साइन एक्स कोस एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करना है, जोड़ के रूट लेके इस सारी इक्वेशन को इसे भाग देना है। फिर यह साइन या कोस का फार्मूला बनाना है हमको, पता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, वो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यह साइन एक्स इसके स्थान पर कोस की टर्म पुट कर देनी है, और ये कोस एक्स है इसकी जगह साइन कर सकते हैं हम। कोस का फार्मूला अगर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, उसमें दोनों रख में कोस की आनी चाहिए, दोनों साइन की आनी चाहिए। ये मैंने साइन का बनाया, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला आ गया, यहाँ माइनस एक आ गया, माइनस एक पाई पाई बाई 2 का मान होता है ये अंदर ले गया, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का फार्मूला आ गया। तो एक्स बराबर एन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 यह फार्मूला होता है एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन, और अल्फा की जगह यहाँ पाई बाई 2 आ रहा है, एन को इंटीजर है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास एन पाई, ये एन पाई है, उसके बाद में है माइनस, ये माइनस निशान हो गया, माइनस एक की पावर एन पाई बाई 2, और वो पाई बाई 4 इधर आ जाएगा, एन बिलोंग्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हुआ है। ये संख्या एन पाई है, ये माइनस निशान यहाँ लिख दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एक की पावर ये इसमें जुड़ जाएगा तो एन प्लस 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 4 एन बिलोंग्स हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इस संख्या को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इसके साथ एक प्लस एक का रूट दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई रूट टू से इसको डिवाइड कर देंगे, कोस एक्स 1/√2 माइनस में साइन एक्स 1/√2, यहाँ 1/√2 है, रूट दो से और डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास अब की बार हम कोस का फार्मूला बना देते हैं, ये कोस एक्स है, 1/√2 की जगह कोस पाई बाई 4 रख दिया है, माइनस में साइन एक्स है इसकी जगह साइन पाई बाई 4 रख देंगे, ये 1/2 आ रहा है। ये हमारे पास कोस एक्स प्लस में पाई बाई 4 का फार्मूला बन रहा है, इधर 1/2 है, 1/2 का फार्मूला हमारे पास होता है कोस पाई बाई 3 का, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा का फार्मूला बन गया। एक्स प्लस में पाई बाई 4 ये होता है हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 3 प्लस माइनस में पाई बाई 3 एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 3 और माइनस में ये पाई बाई 4 इधर आ जाएगा, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसमें हमने यहाँ पर अभी दोबारा कोस कोस का फार्मूला बनाया, किसी का बना सकते हैं, पहले इसको 1/√2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद भी यहाँ पर कोस का मान रख दिया कोस पाई बाई 4, यहाँ पर साइन पाई बाई 4, ये कोस ए कोस माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला बना गया, कोस ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ पर ये कोस थीटा बराबर कोस अल्फा आ गया, फार्मूला लगा दिया है। तो ये हमने इसको सोल्व कर दिया है। अगला पार्ट है हमारे पास √3 कोस एक्स माइनस में साइन एक्स बराबर है हमारे पास √2, ये इक्वेशन है, एक है डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, इसका स्क्वायर तो 3 हो गया और इसके साथ एक है 4, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कोस एक्स है √3/2 लिख दिया, माइनस में ये साइन एक्स है इसको भी 1/2 से भाग दे दिया, और यहाँ पर √2 है 2 से भाग दे देंगे। ये हमारे पास कोस एक्स है, यहाँ पर मैंने कोस
रूट थ्री बाई टू कोस पाई बाई सिक्स का फॉर्म वैल्यू होती है, माइनस में साइन एक्स, और ये हमारे पास साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है, ये वन बाई रूट टू आ रहा है, वन बाई रूट टू साइन पाई बाई कोस, हमारे पास कोस का फार्मूला बनेगा, तो इधर भी कोस का लिखना है, कोस पाई बाई फोर होता है, फार्मूला बन गया है ये कोस एक्स प्लस में पाई बाई सिक्स है, कोस ए कोस भी माइनस साइन ए साइन भी, तो ये कोस पाई बाई फोर आ गया। फार्मूला अब हमारे पास बन गया कोस थीटा बराबर कोस अल्फा का फार्मूला होगा एक्स प्लस में पाई बाई सिक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस ये एंगल पाई बाई फोर, एन को इंटीजर है, एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान आएगा टू एन पाई प्लस माइनस में पाई बाई फोर, ये इधर आ जाएगा माइनस में पाई बाई सिक्स, एन बिलोंग्स टू जेड, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला पार्ट ले रहे हैं हम कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, रूट टू है, पहले डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, इसका भी एक है क्वेश्चन एक, रूट दो से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये वन कोस एक्स है वन बाई रूट टू प्लस में साइन एक्स है, इसको भी रूट टू से भाग दे दिया है, इधर ये रूट टू है, इसको रूट टू से डिवाइड कर देंगे या फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, कोस एक्स है इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं कोस पाई बाई फोर, ये हमारे पास साइन एक्स है इसके स्थान पर साइन पाई बाई फोर रख देंगे, ये कट के आ जाएगा, इधर फार्मूला बनेगा, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया कोस एक्स प्लस में पाई बाई फोर, इधर एक है, एक वैल्यू हमारे पास जो होती है कोस जीरो की होती है, तो ये एक्स प्लस में पाई बाई फोर ये आ जाएगा दो एन पाई प्लस माइनस में ज़ीरो, एन को इंटीजर है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू एन पाई, ये फार्मूला हमारे पास प्लस है तो ये निशान माइनस लगेगा, ये माइनस है ये इधर आ जाएगा, तो प्लस में पाई बाई फोर आ रहा है, एन बिलोंग्स टू जेड है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अगला पार्ट ले रहे हैं थ्री कोस एक्स माइनस में चार साइन एक्स बराबर सात है, ये इक्वेशन एक है, डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, तीन का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है नौ, चार का सोलह, तो ये पच्चीस, पाँच से भाग में देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास तीन बटे में पाँच कोस एक्स माइनस चार बटे पाँच साइन एक्स और बराबर सात बटे पाँच आ रहा है, तीन बटे पाँच को हमारे पास, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल हमारे पास एक्स है, ये लैट थ्री बाई फाइव का मान हमने मान लिया है कि ये कोस अल्फा के बराबर है, तो ये हमारे पास अल्फा एंगल आ गया, तीन बटे पाँच होगी साइड, ये साइड क्या आ जाएगी, जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स और ये कोस अल्फा माइनस में ये साइन एक्स है, चार बटे पाँच की जगह यहाँ पर साइन अल्फा जाएगा, तो बराबर ये सात बटे पाँच है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया है कोस एक्स प्लस में अल्फा का मान है सात बटे पाँच। अब यहाँ गड़बड़ हुआ है, ये जो कोस की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी नहीं हो सकती, कोस की जो वैल्यू होती है बड़ी से बड़ी एक होती है, कोस एक्स बराबर सेवन बाई फोर विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, सो इट हैज नो सॉल्यूशन, यहाँ पर जो कोस एक्स की वैल्यू है वो एक से बड़ी नहीं हो सकती, एक से बड़ी है इसलिए इसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है।